घड़ी का काम केवल समय बताना नहीं है, बल्कि यदि घड़ी इस मंदिर में बांध दी जाए तो घड़ी आपका सही वक्त भी ला सकती है। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि उज्जैन से 40 किलोमीटर दूर स्थित सगस भैरव मंदिर में घड़ी बांधने वाले भक्त कह रहे हैं, जिसे हमारे संवाददाता राजेंद्र सूर्यवंशी ने खुद जाकर देखा है। साथियों, आज हम एक ऐसे सफर पे निकले हैं, आपको एक ऐसे दिव्य स्थान के दर्शन कराने जा रहे हैं जो पिछले कुछ सालों से चर्चा में है, जहाँ पर लोगों का आस्था बनी हुई है। लोग बड़ी संख्या में 200-400 किलोमीटर के लोग, आसपास के प्रदेशों के लोग, इंदौर उज्जैन देवास के लोग, बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं और इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में भी है। तो मैंने आपको अपने इस चैनल के माध्यम से आपको आज उसकी यात्रा कराने जा रहा हूँ, आपको उस स्थान के दिव्य स्थान के बारे में बताने जा रहा हूँ कि उस स्थान का महत्व क्या है, क्या चीज़ है, क्यों लोग इतना जा रहे हैं। आज हम उसको जानेंगे, समझेंगे उसके बारे में, उसका कुछ इतिहास, कुछ जानकारी उसके बारे में प्राप्त करेंगे। तो बने रहिए, इस सफ़र में हम चल रहे हैं। बेडमा से निकले हैं, देपालपुर गौतमपुरा इंगोरिया से अभी हम निकले, जस्ट उनेल रोड पर हैं हम इस समय। अभी उनेल से करीब 5-10 किलोमीटर आ चुके हैं इंगोरिया से निकल करके। अब उन्हें पहुंचने के बाद में आगे का सफ़र हमारा उस रूट पर रहेगा जिस पे हम ये यात्रा निकले हैं। हम यात्रा तो बने रहिए, आपको एक बहुत अच्छी चीज़ आज हम इस चैनल के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आपको लगेगा वास्तव में कि कुछ चीज़ आज हमने आपको आज दिखाई है जो चर्चा का विषय है सोशल मीडिया पर। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से आपको घड़ी पेड़ पर बंधी हुई दिखाई दे रही है। ये वो स्थान है जहाँ जो प्रसिद्ध है और आज घड़ियों पर यहाँ ढेर लगा हुआ है। कुछ घड़ियाँ जो है वो पहाड़ पर बंधी हुई है और कुछ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है कि बहुत सालों से इकट्ठी हुई यहाँ पर घड़ी, जिनकी मन्नतें पूरी होती है, ये कहा जाता है कि वो मन्नत पूरी होने के बाद में यहाँ पर घड़ी बांधते हैं। और आज स्थिति यह है कि इस झाड़ पर करीब 2000 से ज़्यादा घड़ियाँ बंधी हुई है। ये लोगों की आस्था है, उनका विश्वास है। यहाँ देखने के लिए अपनी मनोकामना करते हुए देखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ घड़ी बांधने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और उनकी मान्यता है कि घड़ी बांधने से मन्नत पूरी हो जाती है। यह स्थान घड़ी वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। बीते 2 साल में यह मंदिर इतना प्रसिद्ध हो गया कि अब 4x6 फीट के इस मंदिर में घड़ी रखने की जगह नहीं बची, इसलिए भक्तों ने पेड़ पर ही घड़ियां टांगनी शुरू कर दी। हैरानी की बात तो यह है कि कभी भी इस मंदिर से घड़ी चोरी नहीं होती है, जबकि मंदिर में कोई पुजारी भी नहीं है। और अब हालत यह है कि इस छोटे से मंदिर में करीब 2000 से अधिक दीवार घड़ियां लटकी है। हालांकि कुछ भक्त यहां सिगरेट और चिलम भी चढ़ाते हैं। उज्जैन जिले के उन्हेल से महितपुर रोड के बीच पड़ने वाला गांव गुराड़िया सागा घड़ी बांधने वाले बाबा के नाम से ही मशहूर है। शिप्रा नदी के नजदीक स्थित यह गांव की प्रसिद्धि यहाँ के छोटे मंदिर की वजह से देश और दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ स्थित सगस भैरव का मंदिर न सिर्फ इलाके के हजारों लोगों की आस्था का केंद्र है, बल्कि यहाँ पर दूर दूर से दूसरे प्रदेशों से श्रद्धालु इस उम्मीद के साथ आते हैं कि यहाँ पर घड़ी चढ़ाने से उनका सही वक्त शुरू हो जाएगा। कई भक्तों की यह मान्यता भी है कि उनका वक्त यहीं से बदला है। यह मंदिर गांव से दूरी पर स्थित है, इसके बाद भी यहाँ घड़ियों की आवाज लगातार आती रहती है। जब लोग इस रास्ते से गुजरते हैं तो उन्हें दिन रात टिक टिक की आवाज सुनाई देती है। स्थानीय श्रद्धालु करण सिंह अंजना के मुताबिक एक दशक से ज्यादा वक्त से यहाँ पर मंदिर में घड़ियां चढ़ाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इसके पीछे मान्यता से ज्यादा श्रद्धालुओं का विश्वास है। महितपुर उज्जैन से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, आज मैं एक ऐसे स्थान पर हूँ जो महितपुर से करीब 7 किलोमीटर और उन्हेल नागदा, मतलब एक ऐसा स्थान है ये उन्हेल से पास में, महितपुर के पास में, जो घड़ी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। आप देख सकते हो इस पेड़ पर आज कितनी घड़ियां दिखाई दे रही है। लोग यहां दूर दूर से आते हैं, अपनी मन्नत पूरी होने के बाद में यहां पर घड़ियां चढ़ाते। मेरे साथ में आज इस जो घड़ी वाला बाबा का जो स्थान है, इस स्थान के जो खेत के जो मालिक है वो हमारे साथ हैं, हम उनसे कुछ जानना चाहेंगे। दादा, ये कब से चल रहा है और क्या है इसकी मान्यता? ये तो मान्यता कई मालूम कदनू पेड़ है, कदनू मान्यता है नहीं, पर 2016 में स्थापना कराई थी अपना,
स्थापना ना बाद में 2018 में ही गाड़ी चालू हुई थी। तो लोग यहाँ पे सुबह से लेके शाम तक या 24 घंटे आते रहते क्या है? कोई ले तो है कौन, कोई पुजारी है कौन, जो आवे पगे लागिन चलते रहा। अच्छा अच्छा, तो ये मैंने सुना था कि यहाँ कुछ किसी को सपने में दर्शन दिया और उसके बाद से फिर इसकी स्थापना हुई है। सर कने ना अपनों तो आवे ही नहीं, मने 35-40 साल हो गया, मने अपनों ना कि ना आयु भी कोई। अच्छा दादा, ऐसा कोई केस आया, ऐसी कोई मन्नत वाला आया जो बरसों से परेशान था और उसकी मन्नत पूरी हो गई? यहाँ कैंसर हो गया। कैंसर हो गया? क्या बात, बहुत अच्छी बात। कैंसर हो गया आदमी ने? अच्छा, कैंसर सही हो गया। हाँ, तो देखा ये आपने, दादा ने बताया कि यहाँ पर इस स्थान पर आकर के लोगों की कैंसर जैसी बीमारी तक ठीक हो गई है। तो ये देव स्थान जो प्रचलित हो रहा है आज, कि आप देख सकते हैं कि मन्नत पूरी होने के बाद में लोग यहाँ पर घड़ी चढ़ाते। आप कहाँ से आए दादा? उज्जैन से। किसी भी नाम पे कोई चंदा नहीं देगा। नहीं देगा, ठीक है, बहुत बहुत अच्छी बात बोली दादा ने, किसी के नाम पे कोई चंदा नहीं देगा। आप कहाँ से आए साहब? अपन यात्री लाते हैं बाहर से, अपन भी यात्री लाते हैं, जैसे महाकाल जाते हैं ना से, उज्जैन से, महाकाल से, महाकाल से जितने भी यात्री है ना अपन भी लेके आते हैं, जितने भी गए। अपन में अपना मेरा पांचवी बार है। अच्छा, पांचवी बार आ गया हूँ। जितने भी गए ना वो बोलते भैया एक नंबर था, हमारा जो मनोकामना थी वो पूरी हुई। अच्छा, तो उज्जैन से ही लेके आते हो या और भी कहीं आसपास बाहर के भी लेके? सवारी भी लेके आया, अभी बम्बई की सवारी है। अच्छा, पहले भी लाया था महाराष्ट्र की, तो उन्होंने भी बोला भैया कहा हमारी जो मनोकामना थी वो पूरी हुई, हम वापस आएंगे घड़ी चढ़ाने। वो फिर रिपीट आए थे बीच में, उनको लेके आया था। मेरा नाम शैलू जायसवाल है। तो देखा आपने, शैलू जायसवाल ने बताया कि यहाँ पर लोग आ रहे हैं, अपनी मन्नतें पूरी हो रही, दूर दूर से लोग, उनका ट्रेवलिंग का काम है। आप कहाँ से आए? हम भैया तनोड़िया से आ रहे हैं, सुंटेली खड़ा गांव में। क्या मन्नत थी आज? मन्नत हम गाड़ी लेके आते हैं, हम सदा बार आते हैं। आपकी मन्नत पूरी हुई है आज? पहली बार आए हो आप? हम 2-4 बार पहले आ गए थे। आ गए हो आप? हाँ, हाँ। मन्नत पूरी हो गई आपकी? हाँ, हो रही हो रही है। क्या नाम है आपका? शंकरलाल परमार। शंकरलाल, आप कहाँ से आए? मैं अरुण से, सोध्या इंदौर से आया हूँ। इंदौर से? तो आप पहली बार आए हो या मन्नत लेके आए हो? पहली बार आए हो, मतलब आज मन्नत लेके जा रहे हो आप। हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है, आपकी मन्नत पूरी हो। तो ये देखा आपने, दूर दूर से लोग आ रहे हैं और उनकी मन्नतें पूरी हो रही है। तो ये एक आस्था का प्रतीक है, लोग यहाँ आ रहे हैं सगस वाले बाबा का महाराज, घड़ी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो रहे हैं। ये देव स्थान के रूप में आज पूजा जा रहा है, लोग दूर दूर से यहाँ आ रहे हैं। राजन सूर्यवंशी आपकी आपके लिए इस स्पेशल रिपोर्ट के साथ में, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।